जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनीष। मैं आज आपके सामने लाया हूं सक्सेस स्टोरी नंबर 2, कैसे बना एक चाय वाले का बेटा आईएएस अफसर। बरेली के छोटे से गांव से वास्ता रखने वाला हिमांशु गुप्ता की कहानी, जिन्होंने 3 बार यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया। सिविल सर्विसेज एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से सर्विसेज अलॉट होती हैं, जैसे टॉप में होता है आईएएस, उसके बाद आईएफएस और फिर आईपीएस, इस तरह से वैकेंसीज को भरा जाता है। पहले प्रयास में रैंक अच्छी न होने के कारण उन्हें आईआरएस में रखा गया। दूसरे प्रयास में उन्हें आईपीएस की श्रेणी में रखा गया, परंतु वो आईएएस ही बनना चाहते थे, तो उन्हें दोबारा प्रयास किया और जिसमें उसे तीसरे प्रयास में आईएएस का पद हासिल करने में वह सफल रहे। पढ़ाई के दौरान भी उनके पिताजी चाय बनाया करते थे और हिमांशु उस चाय को ग्राहकों तक सर्व करते थे। हिमांशु बताते हैं कि उन्हें सफलता की कहानियां सुननी और पढ़नी बहुत ही ज्यादा पसंद हैं, जिनकी बदौलत ही वो इतना बड़ा सपना देख पाए और मेहनत करके उसे हासिल कर पाए। और आप भी उसी तरह उसी राह पर चल रहे हैं, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।